साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डी एंड के एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त भगवत दांगी, फाउंडर डी एंड के एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के अंदर हम बात करेंगे फर्स्ट इन इंडिया, यानी कि भारत में प्रथम की। बहुत शानदार ये सूची हमारे द्वारा तैयार की गई है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये रहेगा। UPSC, PSC, बैंकिंग, SSC और दूसरे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए ये टॉपिक हमेशा से बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। तो इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करना ज़रूरी है, तो इसीलिए हमने काफ़ी विस्तृत ये सूची है, तो इसको बहुत ध्यान से देखें। चलिए शुरू करते हैं। बात करें स्टैटिक जीके में फर्स्ट इन इंडिया की, तो सबसे पहले बात करेंगे आर्किटेक्चर के बारे में। देखिए, आर्किटेक्चर मतलब जो भारत की वास्तुकला है उसके बारे में हम बात करेंगे। शुरू करने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको चैनल को यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, या नीचे जो सब्सक्रिप्शन का बटन है वहाँ दबाकर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। होगा ये, उससे आपको हमारी वीडियो सभी जगह एक ही जगह आपको मिल जाएंगे और बहुत ईजिली आप उनको यूट्यूब पर सर्च कर पाएंगे। चलिए शुरू करें। देखिए, फर्स्ट डैम इन इंडिया, भारत का पहला डैम बांध जो बना था वो कल्लानी डैम था। और ये कल्लानी डैम जो है वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट, विश्व के सबसे पुराने डैमों में से एक है जो कि अभी भी यूज़ होता है। ये जो बनाया गया था कावेरी नदी पर बनाया गया था, तंजावुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तमिलनाडु राज्य में। और ये जो ओरिजिनली इसका जो सबसे पहले बनाया था चोल राजा करिकेल चोल जो था, चोल उसके काल में ये बनाया गया था दूसरी सेंचुरी में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, विश्व का सबसे पुराना डैम कल्लानी डैम है। ये कावेरी नदी को बनाया गया है, तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में है और तमिलनाडु राज्य में है। देखिए, फर्स्ट स्टेपवेल स्टिल एग्जिस्ट, मतलब ऐसी स्टेपवेल का मतलब होता है ऐसा कुआ जिसमें नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी होती है, स्टेप्स लगी होती हैं, और हिंदी में इसे कहते हैं बावड़ी, बावड़ी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बावड़ी, रानी की बाव, अभी थोड़े दिन पहले भी नाम आया था इसका। तो ये फर्स्ट स्टेप बेल है, ये रानी की बाव नहीं, हालांकि दूसरा है ये, स्टिल एग्जिस्टिंग ये है माता भवानी स्टेप बेल, माता भवानी की बावड़ी। ये 11वीं सदी में सेंचुरी में बनाई गई थी जो कि गुजरात में है। फिर अगली बात आती है, फर्स्ट टेम्पल कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ सिंगल रॉक, यानी एक ही रॉक, एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया पहला ऐसा मंदिर जो कि एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया और जो आज भी स्थित है, वो है कैलाश टेम्पल एलोरा गुफाओं के अंतर्गत। एलोरा, अजंता एलोरा में जो एलोरा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र औरंगाबाद में, उसमें ये कैलाश टेम्पल है। काफ़ी शानदार ये मंदिर है और एक ही चट्टान को काट के बनाया गया है। ये जो है 744 CE यानी AD में बनाया था राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये भी पूछा जाता कि किसने बनाया था, तो ये राष्ट्रकूट वंश के राजा थे कृष्ण प्रथम, उनके द्वारा ये बनवाया गया था। फर्स्ट टेम्पल इन कलिंग आर्किटेक्चर, यानी कलिंग जो वास्तुकला है उसके अंतर्गत जो पहला टेम्पल बना था जो आज भी खड़ा हुआ है, वो कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था 1255 AD में, ये बनाया गया था। चलिए, फर्स्ट टेम्पल विथ मैनी इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर, यानी ऐसा पहला मंदिर जो कि इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर में बनाया गया है, यानी कि इसकी जो चुनाई की गई है वो इस तरह से की गई है कि ईंटों को आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके जोड़ा गया है। तो ये जो आज भी जो खड़ा है, ये बृद्धेश्वर का मंडल है कि जो मंदिर है जो कि तंजौर तमिलनाडु में है, ये 1000 AD में बनाया गया था। चलिए अगले बात करते हैं, आर्किटेक्ट में बात करें तो फर्स्ट इस्लामिक टोम्ब, यानी कि पहली इस्लामिक या इस्लामिक टोम्ब का मतलब होता है मकबरा जो भारत में बना था, वो सुल्तान गारी के द्वारा बनवाया गया था। ये बना था 1231 CE में और ये इल्तुतमिश जो राजा था उसका बड़ा लड़का जो था, एल्डेस्ट सन था, प्रिंस नासिर उद के लिए बनवाया गया था। उसकी मृत्यु हुई थी, उसके लिए पहली इस्लामिक टोम्ब थी, यानी पहला इस्लामिक मकबरा था जो भारत में बना था। फर्स्ट ट्रू डोम, डोम का मतलब होता है गुम्बद जिसे कहते हैं, जो मंदिरों में या फिर जो ताजमहल के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो ऐसी डोम कहलाता है वो। ये जो बना था अलाई दरवाज़ा बना था, ये कुतुब कॉम्प्लेक्स दिल्ली के अंदर ये स्थित है कि 1311
में ये बनाया था, और इसको जो बनाया था पहले, जो दिल्ली का पहला खिलजी सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, उसके द्वारा इसको बनवाया गया था। तो सल्तनत काल में बना था दिल्ली में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ट्रू आर्च, आर्च का मतलब होता है मेहराब। आप मंदिरों में गए होंगे, मंदिरों में ये इस टाइप की जो आकृति और इस टाइप की जो मिलता है खंभों के पास में, ये नीचे खंभे लगे होते हैं, तो इसे कहते हैं, ये जो इसको कहते हैं मेहराब। तो मेहराब जो पहला बनवाया गया था, ये बलबन की टोम्ब जो थी उसमें ये बनवाया गया था। फर्स्ट बलबन की जो टोम्ब का मतलब होता है, बलबन की टोम्ब का मतलब ये होता है जो उसकी मकबरा होता है उसे टोम्ब कहते हैं। तो ये मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क जो मेहरौली दिल्ली के पार्क में है उसमें स्थित है। ये 1287 में बनवाया गया था, और ये जो बनाया था ये गियाजुद्दीन बलबन के द्वारा जो बनाया गया था, ये कि मामलुक डायनेस्टी का था। ये फर्स्ट गार्डन टोम्ब की बात करें, मतलब ऐसी टोम्ब यानी कि ऐसी मकबरा जिसमें गार्डन स्थित थे, तो ये जो बनाया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और ये पहला पर्सियन डबल डोम भी है, मतलब यहाँ जो गुंबद बनाया गया है डबल गुंबद बनाया गया, और ये पहली फारसी पर्शियन कला में बनाया गया, फारसी कला में बनाया गया। तो ये है हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है, 1562 से 1571 के बीच में ये बनवाया गया था। पहली मस्जिद भारत की जो बनी थी, संभवतः ये विश्व की भी दूसरी या पहली मस्जिद थी, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये है चेरेमन जुमा मस्जिद, ये बनी थी मैथाला कुडुगनुगलार केरल के अंदर बनी थी, और ये बनी थी 629 AD में, और बनवाने वाले का नाम था मलिक बिन दिनार। मतलब उस समय जो यमन देश था, यमन देश के भारत में जो लोग काम करने आते थे, उन्होंने ये मस्जिद को बनवाया था, और ये विश्व की शायद दूसरी मस्जिद थी जो जिसका निर्माण उस समय किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसके बारे में लोगों को जानकारी कम है, लेकिन ये केरल के अंतर्गत बनी हुई है। चलिए अगली बात करते हैं। अब गवर्नेंस इन मैन, जो पुरुष हैं उनका गवर्नेंस में यानी कि सरकार में ऐसा रहा, पहली बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहले जो अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 में, जिसके संस्थापक थे एच ओ ह्यूम ने इसकी संस्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट है, एच ओ ह्यूम साहब ने इसकी संस्थापना की थी, लेकिन जो पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिपेंडेंस, यानी जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य जे बी कृपलानी साहब, ये थे। नवंबर 1947 तक ये भारत के अध्यक्ष रहे थे, मतलब भारत के आज़ादी के समय कृपलानी साहब भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। प्रेसिडेंट बात करें भारत के पहले राष्ट्रपति, तो राजेंद्र प्रसाद 1950 से लेकर 1962 के तक ही रहे, अभी तक सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति थे, और एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कि दो कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए थे। द फर्स्ट इंडियन इलेक्शन कमिश्नर, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो थे सुकुमार सेन साहब। और इंडस्ट्री एंड सप्लाईज मिनिस्टर, यानी कि जो मिनिस्टर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री और सप्लाई मिनिस्टर जो थे। द फर्स्ट पर्सन टू रिज़ाइन फ्रॉम द सेंट्रल कैबिनेट, पहले व्यक्ति जिन्होंने सेंट्रल कैबिनेट से रिज़ाइन कर दिया था, त्यागपत्र दे दिया था, वो भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और इनका कैबिनेट के साथ, कैबिनेट के फैसलों के ऊपर ये थोड़े से इनकी ये उस चीज़ को एग्री नहीं कर रहे थे, इसलिए इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। वाइस प्रेसिडेंट भारत के पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से लेकर 1964 तक। एंड ये जो था इनके उस, ये पहला जो भारत का चुनाव हुआ था, उस आम चुनाव जो हुआ था 1952, उसके बाद ही ये भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे, यानी पहले प्रधानमंत्री यही थे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी कि उप प्रधानमंत्री की बात करें तो वल्लभ भाई पटेल। हालांकि जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद है ये सांवैधानिक पद नहीं है, 1947 से 1950 तक ये रहे, सांवैधानिक पद ये नहीं है। लॉ मिनिस्टर की बात करें तो पहले कानून मंत्री जो थे वो B.R. अंबेडकर साहब थे। वहीं लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि जो विपक्ष के नेता थे, पहले A.K. गोपालन साहब थे। प्राइम मिनिस्टर टू वोटेड आउट टू ऑफिस जो था वो इंदिरा गांधी 1970 में, जब मतलब इनके द्वारा जो स्टिल प्राइम मिनिस्टर थी और जो चुनाव में हार गई थी, वो ये ऐसी प्रधानमंत्री थी जब इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी इसको हराया था, जनता पार्टी की सरकार ने, जनता पार्टी की ने इसको हराया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अगली बात करते हैं। नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो भारत की पहली
बिना कांग्रेस के, या गैर कांग्रेसी जो सरकार बनी थी वो जनता पार्टी बनी थी और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी थी 1977 से 1980 के बीच में। नॉन कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट जो बनी थी विद मेजोरिटी बाय सिंगल पार्टी, जो एक ही पार्टी ने जब पूरी मेजोरिटी के साथ जब आई थी, एक ही पार्टी स्टेट के अंदर यानी कि राज्यों के अंदर गैर कांग्रेसी, ये थी EMS नंबूर दिरीपाद जो थे CPI के थे, ये केरल के अंदर बनी थी। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1957 में ये सरकार बनी थी। प्राइम मिनिस्टर टू लीड अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट फॉर अ फुल टर्म, यानी 5 साल तक जिन्होंने माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाई। माइनॉरिटी मतलब जिसके पास अल्पमत की जो सरकार होती है, मतलब पूरी तरह से मिलीजुली सरकार जो थी वो चलाई थी, PM नरसिम्हा राव साहब ने चलाई थी 1991 से 1996 तक, और 5 साल इसने पूरा वर्क किया था। पर्सन आउटसाइड द नेहरू गांधी फैमिली टू सर्व एज द प्राइम मिनिस्टर फॉर अ फुल टर्म, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि नेहरू गांधी फैमिली से नहीं थे और पूरे समय तक प्रधानमंत्री रहे, 5 साल तक जो प्रधानमंत्री रहे, ये भी PV नरसिम्हा राव साहब थे। 21 जून 1991 से 16 मई 1996 के बीच में ये प्रधानमंत्री रहे थे। नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर टू सर्व एज अ फुल टर्म, यानी कांग्रेस गैर कांग्रेसी, ये जो PV नरसिम्हा राव साहब थे ये कांग्रेस से थे लेकिन गैर कांग्रेसी जो थे वो पहले प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने पूरे समय तक शासन किया वो थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, और ये BJP से थे। प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम साउथ इंडिया, यानी दक्षिण भारत के जो प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव साहब रहे 1991 में, और HD देवेगौड़ा साहब, ये दो प्राइम मिनिस्टर थे जो कि साउथ इंडिया से रहे हैं। द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम वायसराय जो लॉर्ड कैनिंग बने थे, जब भारत से कंपनी का शासन समाप्त हुआ था 1858 में, तो जो गवर्नर जनरल का पद होता है उसका पदनाम चेंज करके वायसराय कर दिया था, जो पहले वायसराय बने थे वो लॉर्ड कैनिंग बने थे। वहीं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स साहब, 1773 में इनको बनाया गया था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यहाँ पर एक चीज़ मैं थोड़ा सा सुधारना चाहूँगा इसमें, कि ये गवर्नर जनरल जो बनाए गए थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ना होकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। यहाँ पर आप इसको देख लें, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो पहले थे लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे। ये एक इम्पॉर्टेंट है, विलियम बेंटिक बने थे 1833 के अंदर विलियम बेंटिक जो थे पहले गवर्नर जनरल भारत के बने थे, और ये जो गवर्नर जनरल थे ये इंडिया के ना होकर बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लुई माउंटबेटन साहब थे, 1947 में बने थे। इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन यूनियन, ऐसा जो भारत के पहले इंडियन गवर्नर जनरल जो इंडियन थे और भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे वो है पहले भारतीय सी राजगोपालाचारी साहब, 1948 में बने थे। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे HJ कानिया साहब, 1947 से 1951 तक के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायमूर्ति न्यायाधीश भारत के रहे थे। चलिए अगले बात करें तो फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर, जो पहले सिख प्रधानमंत्री बने भारत के, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 10 साल तक ये प्रधानमंत्री रहे। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जो भारत के थे जाकिर हुसैन साहब, 1967 से लेकर 1969 के बीच में ये राष्ट्रपति रहे थे। पहले सिख प्रेसिडेंट की बात करें राष्ट्रपति, पहले तो ज्ञानी जेल सिंह साहब, ये बहुत फेमस है 1986 में अपने पॉकेट वीटो के यूज़ के लिए, इन्होंने पॉकेट वीटो का यूज़ किया था 1986 में, जब इनके द्वारा डाकतार संशोधन अधिनियम जो था उसको ना तो उस पर मंजूरी दी गई थी ना उसको डिनाई किया गया था, यानी कि उसको पॉकेट वीटो का यूज़ किया था। इंडियन ICS ऑफिसर, जो पहले ICS ऑफिसर बने थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे 1863 के अंदर। स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात करें तो GV मालवंकर साहब जो थे पहले स्पीकर थे लोकसभा के, बने थे 1952 से लेकर 1956 के बीच में। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी भारत के जो स्वतंत्र भारत के पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो RK षणमुख चेट्टी साहब थे, 1947 से 1948 तक रहे। फोर अदर सी फर्स्ट नेहरू मिनिस्ट्री, तो ये जो पहली कैबिनेट बनी थी उसमें ये थे बने थे। बाकी एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा इसके बारे में, कि जो अंतरिम सरकार जो भारत की बनी थी, अंतरिम सरकार मतलब जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले एक अंतरिम सरकार बनी थी, उसमें जो पहले वित्त मंत्री हमारे बने थे वो लियाकत अली साहब थे, जिन्हें भारत का पहला बजट भी दिया था लेकिन स्वतंत्र भारत का नहीं दिया था, इन्हें लियाकत अली साहब थे। और ये लियाकत अली साहब ही पाकिस्तान के पहले PM भी बने थे, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे लियाकत अली साहब। अब ये लीग से थे,
प्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट बजट आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस, यानी पहला बजट जो प्रस्तुत किया गया था भारत की आज़ादी के बाद, वो आर के षणमुख चट्टी ने किया था 26 नवंबर 1947 को। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री थे। फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस, मतलब ऐसे पहले राष्ट्रपति की जो कि अपने कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई, वो थे जाकिर हुसैन साहब, 3 मई 1969 को इनकी मृत्यु हो गई थी। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर टू डाई इन ऑफिस, मतलब ऐसा पहला मुख्यमंत्री जो कि अपने कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हुई थी, सी एन अन्नादुरई साहब, ये जो थे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस, पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था, तो मोरारजी देसाई साहब, जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1979, इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बोर्न आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस, पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो भारत की स्वतंत्र भारत के अंदर पैदा हुए, नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये 17 सितंबर 1950 को इनका जन्म हुआ था। चलिए डिफेंस की बात करें रिपब्लिक ऑफ इंडिया डिफेंस में, तो डिफेंस मिनिस्टर जो पहले थे वो बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह थे भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर। कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया, स्वतंत्र भारत के जो पहले कमांडर चीफ थे वो था, उनका नाम था कोंडेरा मदप्पा करियप्पा, या जिनको के एम करियप्पा के नाम से ज़्यादातर जाना जाता है। के एम करियप्पा साहब जो थे वो पहले कमांडर इन चीफ थे। इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया जो थे जनरल के एम करियप्पा साहब, ये फिर से आ गया ये वाला फैक्ट। चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो थे, चीफ ऑफ एयर स्टाफ सुब्रतो मुखर्जी जो थे, पहले व्यक्ति चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे। इंडियन चीफ ऑफ स्टाफ इंडियन आर्मी जो थे, इंडियन चीफ ऑफ स्टाफ इंडियन आर्मी महाराज श्री राजेंद्र सिंह जी जडेजा, तो ये महाराज श्री राजेंद्र सिंह जी जडेजा जो थे ये स्टाफ इंडियन आर्मी के पहले चीफ थे। कमांडर इन चीफ इन आईएफ जो थे सुब्रतो मुखर्जी, इंडियन एयरफोर्स के कमांडर इन चीफ सुब्रतो मुखर्जी थे। चीफ ऑफ नवल स्टाफ सर चार्ल्स थॉमस मार्के पीजे जो थे, सर चार्ल्स थॉमस मार्क पीजे पहले चीफ थे नवल स्टाफ के। फर्स्ट इंडियन, पहले जो भारतीय प्री इंडिपेंडेंस जो फ्लाइंग एस बने थे वो है इंदिरा लाल रॉय जो थे। इंडियन फर्स्ट मिलिट्री हेलीकॉप्टर पायलट जो थे, पहले जिनमें मिलिट्री हेलीकॉप्टर के पायलट थे, एयर कमांडर सुधींद्र कुमार मजूमदार। वही बात करें फील्ड मार्शल जो थे पहले सेम मानेक शॉ जो थे, SHF मानेक शॉ इनका पूरा नाम था, 1973 पर्सियन ये थे, और एक ही मात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये खिताब दिया गया था फील्ड मार्शल का। ये ऊपर का मैं भूल गया, कॉस्मोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री जो थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984 में पहले ऐसे व्यक्ति बने थे जो कि अंतरिक्ष में भारत की तरफ से गए थे। फर्स्ट फीमेल जवान इन आर्मी, आर्मी में पहली जो महिला जवान थी वो बनी थी शेपर शांति टिग्गा, शेपर शांति टिग्गा। फर्स्ट परमवीर चक्र विनर जो थे वो मेजर सोमनाथ शर्मा थे, जिन्होंने कि जो 1965 को युद्ध हुआ था काफ़ी वीरता से उसमें वो इन्होंने किया था। चलिए अगले बात करते हैं एक्सप्लोरेशन यानी कि घूमने फिरने में जो व्यक्ति प्रथम रहे, तो पर्सन टू राइड अलोन अराउंड द वर्ल्ड ऑफ ऑन मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल पर ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कि पूरी दुनिया घूम ली, ये थे भरद्वाज दयाल। पर्सन टू फ्लाई इन अ बलून एंड लैंड इन पैरासूट, मतलब जो बलून से उड़े और पैरासूट से फिर इन्होंने लैंड किया, वो थे शिवनाथ मजूमदार। पर्सन टू रीच द साउथ पोल, ऐसे पहले व्यक्ति जो कि साउथ पोल पर पहुंचे थे, इंपॉर्टेंट है ये, ये है कॉलोनियल जितेंद्र कुमार बजाज। वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, जो पहली महिला जिन्होंने भारत की जो कि जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया या माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, बछेंद्री पाल जो थी, 23 मई 1984 को ये इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया था, और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया था। पर्सन टू रीच माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन, ऐसे व्यक्ति जो बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे, शेरपा अंगा दोरजी जो थे जो सबसे पहले बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर गए थे। वुमेन टू रीच साउथ पोल, साउथ पोल पर से जो सबसे पहली महिला पहुंची, रीना कौशल धर्मेक्षु जो थी वो इस पे पहुंची थी। पर्सन टू रीच द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से सबसे पहले जो पहुंचे थे जगन्नाथन श्री सारवंगन, ये 23 अप्रैल 1985 को बड़ा
खतरनाक टाइप का नाम है, श्री निवास राघवन जो थे, जगन्नाथ श्रीनिवास राघवन। पर्सन टू हैव वॉक्ड अक्रॉस द गोबी डेजर्ट, यानी गोबी डेजर्ट जो है मंगोलिया और चाइना के अंदर गोबी मरुस्थल, उसको किसने चलकर पार किया? तो सुचेता केथांकर जो थी, कड़े कड़ेथांकर जो थी, इन्होंने सबसे पहले इसको पार किया था। यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्लिम्ब एवरेस्ट, विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिन्होंने कि माउंट एवरेस्ट को फतह किया था, ये है मालवाथ पूर्णा। इन्होंने 25 मई 2014 को ये कारनामा किया जब इनकी उम्र थी 13 वर्ष की। चलिए अब बात करते हैं अवार्ड एंड टाइटल्स की, मतलब जो अवार्ड सम्मान वगैरह मिले हैं उनकी बात करें। फर्स्ट इंडियन टू विन एनी लिटरेरी अवार्ड, लिटरेरी में साहित्य का जो अवार्ड पहला व्यक्ति जो पहला इंडियन था उनको मिला था। इनको नॉर्वे न्यूबेरी मेडल मिला था, यूनाइटेड स्टेट्स देता है। 1927 में गे निक द स्टोरी ऑफ अ पीजन इनने लिखी थी, इनका नाम था धन गोपाल मुखर्जी। तो ये इनकी पुस्तक थी मिस्टर वर्ल्ड, जिनको पहला खिताब मिस्टर वर्ल्ड का मिला। रोहित खंडेलवाल को मिला, जो कि पहले व्यक्ति थे मिस्टर वर्ल्ड का खिताब जीतने वाले। नीरज सिंह चौधरी बहुत एक इंपॉर्टेंट एक साहित्यकार हैं, फर्स्ट इंडियन टू विन, ये पहले भारतीय थे जिन्हें जीता था मेजर नॉन फिक्शन अवार्ड। नॉन फिक्शन अवार्ड, नॉन फिक्शन श्रेणी में जो अवार्ड दिया था वो जीता था द डफ कूपर प्राइज, ये यूनाइटेड किंगडम यूके के द्वारा दिया जाता है 1966 में। ये उनकी पुस्तक का नाम था द कॉन्टिनेंट ऑफ सेल्स, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक है और ये नीरज सिंह चौधरी, इनका नाम आप याद रखिएगा। वहीं मैन बुकर प्राइज की बात करें, पहला जो मैन बुकर प्राइज भारत के लिए जीता था अरुंधति रॉय के द्वारा जीता था, और उनके नॉवल का नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, 1997 में ये नॉवल आया था। वही बात करें भगवती भट्टाचार्य जो थी, द फर्स्ट इंडियन थी जो कि जो जिन्हें बोला था ऑरेटर ऑफ एट हार्वर्ड, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ पर इन्होंने सबसे पहले भाषण दिया था इन द कमेंसमेंट एक्सरसाइज 1993। तो 1993 में इनके द्वारा ये दिया गया था। भारत रत्न की बात करें तो पहले भारत रत्न थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और वेंकट सी वी रमन जो थे, ये पहले व्यक्ति थे। 1954 में इनको भारत रत्न मिला था। वहीं पद्म विभूषण की बात करें तो पद्म विभूषण जो कि पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा होता है, सत्येंद्र नाथ बोस, नंदलाल बोस, जाकिर हुसैन, बाला साहेब, गंगाधर खेर, जिग्मे दोरजी वांगचुक और वी के कृष्णन मेनन जो थे, इनको ये 1954 में ही अब इससे नवाजा गया था। वहीं परमवीर चक्र की बात करें तो मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको परमवीर चक्र का से अवार्ड किया गया था। अवार्ड और टाइटल्स में बात करें तो कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स के जो थे मृणाल सेन थे जो कि इनको ये मिला था। वहीं बात करें चेवियर ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स ये मिला था शिवाजी गणेशन को। दादा साहब फाल्के अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दादा साहब फाल्के अवार्ड जीतने वाली पहली जो एक्ट्रेस थी वो देविका रानी, 1969 में इनको ये मिला था। अशोक चक्र अवार्डेड टू सिविलियन, सिविलियन मतलब जो सिविलियन को सबसे पहले अशोक चक्र दिया गया था, तो ये डी के जथर को दिया गया था, ये दिया गया था इनकी मृत्यु के बाद। और एम सी दीक्षित कैप्टन एंड को कैप्टन रेस्पेक्टिवली ऑफ द सेवुगेट्स प्लेन कश्मीर प्रिंसेस फॉर द मोस्ट कॉन्सिस्पियस ब्रेवरी, मतलब इसकी बहादुरी के लिए दिया गया था, डेयरिंग और सेल्फ सेक्रीफाइस, खुद को दूसरों को बचाने के लिए खुद का सेक्रीफाइस करने के लिए पूरा के पूरा पुरस्कार उनको दिया गया था। मैग्सेसे अवार्ड की बात करें तो बहुत फेमस ये अवार्ड रहा है, मैग्सेसे अवार्ड ये सबसे पहले दिया गया था विनोबा भावे को 1958 के अंदर, विनोबा भावे जो भूदान आंदोलन के प्रेरणा थे, दिया गया था। और ये दिया गया जाता है फिलीपींस की सरकार द्वारा ये प्राइज दिया जाता है। वहीं स्टालिन पीस प्राइज की बात करें, जिसे आजकल जाना जाता है लेनिन पीस प्राइज के नाम से, ये 1952 में सैफुद्दीन किचलू को ये सबसे पहले भारतीय थे जिन्हें ये पुरस्कार मिला था। वहीं बात करें ऑस्कर ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये सत्यजीत रे साहब को मिला। निशाने पाकिस्तान जो थे मोरारजी देसाई साहब को 1990 में निशाने पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, जैसे भारत का भारत रत्न है उसी तरह पाकिस्तान का है निशाने पाकिस्तान, ये उनको मिला था। वही बात करें नोबेल प्राइज़ की, तो भारत के अंदर सबसे पहला जो नोबेल मिला था 1913 में लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, और ये पहले एशियन भी थे जिनको ये प्राइज़ मिला था। और ये प्राइज़ इनको मिला था गीतांजलि नामक इनकी पुस्तक के लिए, गीतांजलि एक पुस्तक थी इनकी, उसके लिए प्राइज़ मिला था। 1930 में बात करें तो फिजिक्स के लिए यानी भौतिकी के लिए सी वी रमन साहब को मिला था, और ये पहले एशियन और फर्स्ट
आश्रित व्यक्ति थे जिनको कि साइंस का नोबेल प्राइज मिला था। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1968 में मेडिसिन के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल मिला था हरगोविंद खुराना को, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं। तो ये इनकी नागरिकता जो अमेरिकी है लेकिन ये भारतीय मूल के हैं। 1979 की बात करें तो 1969 में पीस प्राइज जो मिला था, 1979 में पीस प्राइज मदर टेरेसा को मिला जो इंडियन सिटीजन थी लेकिन अल्बानिया ओरिजन की थी। इनका मतलब जन्म जो हुआ था अल्बानिया देश में हुआ था, तो एक बार ये परीक्षा में पूछा गया तो अल्बानिया की ये थी। 1998 की बात करें तो इकोनॉमिक्स का पुरस्कार अमृत्य सेन को ये प्रदान किया गया है। 2009 में केमिस्ट्री के लिए वेंकट रमन रामकृष्णन को ये पुरस्कार मिला है, जो कि यूएस सिटीजन है, मतलब ये नागरिक हैं अमेरिका के लेकिन भारत के भारतीय मूल के हैं। 2014 की बात करें तो शांति के लिए पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को मिला। ये पहले ऐसे इंडियन थे जो कि फर्स्ट इंडियन थे जिनको ये शांति का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलिए बात करते हैं अगले हैं ऑस्कर। ऑस्कर श्रेणी के 1982 में भानु अथैया जो थी पहली कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी जिनको ये पुरस्कार 1982 में मिला था, और ये जो मिला था गांधी मूवी के लिए मिला था। गांधी मूवी काफ़ी फेमस मूवी रही है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार इस बार मूवी को जरूर देखें, गांधी के नाम से, जिसमें गांधी जी का रोल, ये हॉलीवुड मूवी है पूरी तरह से, तो बहुत शानदार मूवी बनाई गई है। 1992 की बात करें तो 1992 में सत्यजीत रे साहब को ये अवार्ड ऑनररी दिया था। बात करें 2009 की तो एआर रहमान को ये अवार्ड मिला था फॉर उनके जय हो सॉन्ग के लिए। और ये 2009 में रसूल पुटुक्की साहब को साउंड मिक्सिंग के लिए अवार्ड दिया गया था। वहीं 2009 में गुलजार को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ये अवार्ड प्रदान किया गया है ऑस्कर। तो ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अगली बात करें अवार्ड्स और टाइटल्स की, तो ये और भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं, हालांकि जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इनको हम एक बार नज़र मार लेते हैं, देख लेते हैं। मिस्टर यूनिवर्स का जो अवार्ड मिला है वो मनोहर एच को मिला था 1952 में। वहीं मिस वर्ल्ड का जो खिताब मिला था वो रीता फारिया को 1966 में मिला था। ये पहली भारतीय के साथ पहली एशियन भी थी जिनके द्वारा ये टाइटल जीता गया था। तो एक इंपॉर्टेंट नाम है रीता फारिया। मिस एशिया पैसिफिक का जीना तमान को 1970 में ये खिताब मिला था। इंटरनेशनल टीन प्रिंसेस का अवार्ड राधा बरताके को मिला था 1974 में। मिस टीनेज इंटर कॉन्टिनेंटल का जो अवार्ड मिला था एलिजाबेथ अनीता रेड्डी को मिला था 1978 में। वहीं मिस वर्ल्ड एम्बर का जो अवार्ड था वो माला राय सिंगानी को मिला था 1978 में। मिस वर्ल्ड यूनिवर्स का जो अवार्ड था जो मिला था प्रियदर्शनी प्रधान को 1989 में। वहीं मिस यूनिवर्स का जो सुष्मिता सेन 1994 में, तो ये एक और इंपॉर्टेंट है मिस यूनिवर्स आप याद रखिएगा। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का जो पहला खिताब मिला था, पहली भारतीय महिला जिनको मिला था, करमिंदर कौर को मिला था 1994 में। वहीं मिस इंटरकॉन्टिनेंटल का जो पहला खिताब लारा दत्ता को 1997 में ये प्राप्त हुआ था। मिस्टर इंटरनेशनल का जो पहला खिताब मिला था वो मिला था आर्यन वैद को मिला था, आर्यन वैद 2000 में ये इनको खिताब मिला था। मैनहन इंटरनेशनल का जो पहला खिताब राजीव सिंह को 2001 में मिला। मिस टूरिज्म इंटरनेशनल का ये खिताब मिला कैंडाइस पिंटो को मिला 2001 में, ये पहले भारतीय है। अब बात करते हैं मिस्टर मिसेस वर्ल्ड का जो पहला किताब मिला अदिति गोवित्रीकर को मिला 2001 के अंदर। मिस टूरिज्म क्वीन इंटरनेशनल को मिला ये जेबिना अब्दुल राशिद खान 2004 में ये अवार्ड दिया गया। मिस वर्ल्ड टूरिज्म का सोनल चौहान को 2005 में अवार्ड दिया गया। बेस्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड जो दिया गया सिद्धार्थ शुक्ला को 2005 में मिला। मिस टूरिज्म का प्रियंका शाह का 2007 में। मिस अर्थ का निकोलो फारिया को जो मिला निकोल फारिया 2010 में। मिस टूरिज्म क्वीन ऑफ द एयर इंटरनेशनल का अवार्ड उर्वशी रोतेला को मिला 2011 में। वहीं मिस एशिया पैसिफिक वर्ल्ड का अवार्ड हिमांगिनी सिंह यादव को मिला 2012 में। मिस्टर यूनाइटेड नेशंस का राहुल व्यास को ये 2013 में खिताब मिला। वहीं मिस सुपर नेशनल का जो खिताब मिला आशा भट्ट को मिला 2014 में। मिस यूनिवर्सल पीस एंड ह्यूमनिटी ये रूही सिंह को खिताब 2014 में मिला। वहीं मिस टूरिज्म इंटरनेशनल चाइना वर्जन जो हुआ था इसका खिताब मिला पारुल बिंदल को 2014 के अंदर। तो ये आज की हमारी बात यहीं समाप्त होती है। आशा है कि ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और
कमेंट करना ना भूलें। आपको ये कैसा लगा, यदि आपकी कोई क्वेरीज है, साथ में हमारे चैनल D&K एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें और इस पूरे वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार आप देखें ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं बार बार देखने से, बार बार सुनने से, बार बार पढ़ने से ही याद होती है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसका सिर्फ यही शॉर्टकट है। जितने से अधिक बार इसको आप देख सकते हैं, अधिक से अधिक बार देखने की कोशिश करें ताकि आपको ये कंठस्थ बहुत अच्छे से हो जाए। चलिए आज की हमारी बात हम यहीं समाप्त करेंगे। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।